सर शिविर का आयोजन हुआ है, किस तरह का शिविर था और इसमें क्या किस प्रकार का रोजगार दिया जा रहा है? ऐसा है कि हमारे राज्य सरकार की ये मंशा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ रोज़गार शिविर लगाया जाता है और हर महीने प्लेसमेंट शिविर भी लगाते हैं और एक बड़ा रोज़गार मेला भी लगाते हैं। तो इसमें राज्य सरकार की मंशा यह है कि एक छत के नीचे एक जगह ही अपने बेरोज़गार आशार्थियों को रोज़गार मिल सके। हमने विभिन्न कंपनियों को बुलाया है, जैसे यहाँ अपने थार नगरी में ये केएन एनर्जी है और दूसरे जो सिक्योरिटीज कंपनियां हैं जो इनको एक जगह बुला के और लड़कों को ये अपॉइंटमेंट देगी। तो स्थाई रोजगार है? हाँ, इसमें एक दफ़े जाने के बाद वो स्थाई भी कर लेते हैं। इसमें वो जैसे पीएफ ग्रेजुएटी वगैरह वो भी होता है, जैसे वो लड़का जॉब करेगा। तो कितना उत्साह है युवाओं में? लोग आ रहे हैं युवाओं में तो उत्साह है। अब जैसे गाँव से आएंगे बाहर से अब तो बसें आने वाली उसमें से आएंगे तो शाम तक आएंगे। कब तक चलेगा सर ये शिविर? चलेगा 3-4 बजे, जब तक लड़के आएंगे सब। तो एक दिन लगभग कितने युवा को रोजगार मिल जाएगा? अब देखो शाम को मैं ले लूँगा इनके वापस के कितने लगे क्या।